बीच न्यूज आपकी आवाज। देख रहे हैं, बिहार सरकार ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और उसको लेकर के जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया है। वो गाइडलाइन क्या कुछ है वो लेकर के हम हाजिर हैं। तो आपको बताएं कि बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते संकट के बाद जिस तरीके से राज्य में आंकड़ा करीब करीब 19,000 पहुंचने वाला है, उसके बाद ये कदम उठाया है। जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, लगातार स्थिति जो है बेकाबू होती जा रही है, उसके बाद राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई की यानी कि कुल 16 दिनों के लिए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इस आदेश में कहा गया है कि जो लॉकडाउन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन अगर जिलाधिकारियों को ये लगता है कि उनके इलाके में कोई विशेष बंदिश या पाबंदी लगाने की ज़रूरत है तो वो अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगी। लेकिन फिलहाल जो गाइडलाइन है उसमें कोई भी जो है वो बदलाव नहीं हो सकता। तो क्या कुछ चीज़ें हैं वो बताएं आपको। तो ये पूरा अमूमन वही उसी तरीके का आदेश है जो अमूमन अपने भारत सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसमें जो चीज़ें रहती हैं लगभग वही चीज़ें हैं। लेकिन ये राज्य के लिए है। इसमें जो तमाम जो दफ्तर हैं उसको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दफ्तर से जुड़े हुए जितने भी ऑटोनोमस जो बॉडीज़ हैं उनको बंद रखने का निर्देश दिया गया है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन इसमें एग्जम्पशन है डिफेंस, CNG, LPG, PNG जैसी जो जरूरी सेवाएं हैं उसकी, और साथ ही राज्य सरकार से के अधीनस्थ जितने भी दफ्तर हैं वो भी बंद रहेंगे, कॉरपोरेशंस बंद रहने के निर्देश हैं। लेकिन पुलिस, होमगार्ड और जो जरूरी सेवाएं हैं उससे जुड़े हुए जो विभाग हैं उनको छोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ बिजली पानी की सप्लाई को लेकर के तमाम जो दफ्तर काम करें वो एज इट इज काम करते रहेंगे। नगर निगम, नगर निकाय जितने हैं वो काम करते रहेंगे। साथ ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं वो जो है मेंटेनेंस के लिए काम करेंगे, मसलन चिड़ियाघर, पार्क।